वो दिन था 5 जनवरी 2020, शाम के 5 बज रहे थे। उस टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसने मुझे हिला कर रख दिया। और सच में वो दिन मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था, मतलब कि सबसे बेकार मोमेंट। और लिटरली मेरे साथ जो हुआ था ना, उससे मैं ऑलमोस्ट पूरा टूट चुका था। तो आज का स्टोरी टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ये स्टोरी टाइम मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है। कहानी स्टार्ट होती है आज से लगभग 8 साल पहले, जब मेरे पास कोई भी फोन नहीं था। और होता भी कैसे भाई, उस टाइम पे सिर्फ 8 साल का था मैं। उस टाइम पे हमारे लिए जिंदगी का मतलब बस इतना ही था, दिन के 5 रुपए मिलते हैं, उसमें जो करना है बस वही करो। और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते थे। तो उस टाइम पे मैं और मेरा भाई ऐसे हम लोग बाहर घूमते रहते थे और ऐसे हम लोग मजे करते रहते थे। कभी हम लोग आइसक्रीम खाने चले जाया करते थे और कभी ये 1 रुपए वाली फ्रूटी पीने चले जाया करते थे। वैसे आप लोग बताना, आप से कितने बंदों ने 1 रुपए वाली फ्रूटी पी है। वैसे यार वो भी क्या दिन थे ना, जब 1 रुपए वाली फ्रूटी में जिंदगी का मजा आ जाया करता था। तो मैं आपको बताता था, हम लोग ऐसे बाहर घूमते रहते थे और मजे करते थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारी जिंदगी के अंदर मोबाइल नहीं आया था। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ आखिरकार ये मोबाइल जो था हमारी जिंदगी के अंदर आया कैसे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी लोग टीवी तो देखते होंगे, तो वहां पर जो एक चैनल आता है नाप तोल करके, और जैसे टीवी ओपन करो वो चैनल सबसे पहले ही आता है। तो ऐसे ही दिन मैं थका हुआ स्कूल से आया और मैंने टीवी जैसे ओपन करा तो वहां पर नाप तोल पे एक मोबाइल आ रहा था, जो कि मात्र 999 रुपए का था, मतलब कि सिर्फ 1000 रुपए का था। अब शायद आपको 1000 इस टाइम पे कम लगते हो, लेकिन यार उस टाइम पे मेरे लिए 1000 बहुत थे। आप लोग खुद सोचो, एक 8 साल के बच्चे के लिए 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं खुद तो नहीं ले सकता था फोन, लेकिन फिर मैंने यूज करा अपना बिग ब्रेन। तो मैंने सोचा खुद तो मैं फोन नहीं ले सकता, लेकिन मैं मम्मी को तो फोन दिलवा सकता हूँ ना। तो मैं डायरेक्ट घर पे गया और जाकर मुंह पे बोल दिया, ए छोड़ छोड़ मेरा पैर, मम्मी चला दो ना। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी गैस वॉर्ड वहां पर क्या हुआ होगा? और इसका आंसर है कि भाई फोन ऑर्डर नहीं हुआ। लेकिन मैं मुझे फोन तो कैसे भी करके चाहिए था, तो भाई मैं सीधा गया, फोन को ऑर्डर कर दिया कैश ऑन डिलीवरी पर। अब आप लोग सोचोगे भाई फोन तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो उस टाइम तक मैं भी यही सोच रहा था आखिरकार पैसे मेरे पास कहां से आएंगे। और उस टाइम मुझे ये चीज भी नहीं पता था कि हम लोग ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था अगर हमारे घर पर ऑर्डर आ गया उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं हुए देने के लिए, तो जो ऑर्डर वाला है वो मुझे पकड़ के ले जाएगा और जेल में बंद कर देगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो इसी वजह से जो ऑर्डर होता है उसके लिए मैंने अपना घर का एड्रेस नहीं डाला था, मैंने डाला था अपने पापा की शॉप का एड्रेस। और मैंने सोच रखा था अगर फोन आएगा तो भाई कैसे करें, पापा को फोन तो लेना ही पड़ेगा। और जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आप ऐसे जितने बंदे इस वीडियो को देख रहा हो भाई, ये सब कुछ ट्राई मत करना, क्योंकि आजकल भाई हर किसी को पता है रिफंड के बारे में। तो आपकी इतनी मेहनत और आपकी इतनी चलाकी भाई वेस्ट जाएगी। इससे अच्छा आपने जो प्यारे से हाथ होते हैं उससे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे आपको फ्री में बहुत सारे अमेजिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो फाइनली जो मेरे पास फोन था वो तो आ चुका था, लेकिन गाइस अभी हो चुका था हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम। उस टाइम में जो हमें फोन मिला था वो एंड्रॉइड ही नहीं था, मतलब जो फीचर फोन होता है जो कि हमारा कीपैड वाला फोन होता है उसको टच स्क्रीन के अंदर डाल के दे दिया। तो आखिर उस फोन का मैं करता क्या, ना तो उसमें यूट्यूब था, ना तो उसके अंदर कोई गेम था, लेकिन फिर भी एक नया फोन था तो यार उसकी खुशी तो थी। तो जिस टाइम पर मुझे फोन मिला था उस पूरे दिन मैंने अपने फोन को चलाया, कभी उसका कैमरा ओपन कर रहा था तो कभी उसको हटाकर डायल पैड ही ओपन कर लिया करता था, और फोन के अंदर जितने भी एप्स थे सभी को ओपन करके देख रहा था कि भाई कैसे भी करके इसके अंदर प्ले स्टोर मिल जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वो फोन एंड्रॉइड नहीं था, तो उसके अंदर प्ले स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन मैं अपने घर पे दोबारा आया हुआ था, उस टाइम मैं दोबारा टीवी को खोला तो वहां पर मुझे एक नई चीज देखने को मिली, वहां पर चल रहा था एक लैपटॉप का ऐड। अब उस टाइम पता नहीं यार मुझे लैपटॉप लेने की क्या जिद चढ़ गई थी, तो मैं बार बार अपने पेरेंट्स से जिद करता था भाई मुझे लैपटॉप दिला दो। लेकिन आप सबको ये बात तो पता होगी लैपटॉप और पीसी जो होता है बहुत ही महंगा आता है एज कम्पेयर टू फोन। तो मेरे इतने जिद करने पर भी मुझे लैपटॉप तो नहीं मिला। लेकिन जब एक दिन ऐड आ रहा था हमारे टैबलेट का जो कि सिर्फ 3000 रुपए का था और उसके साथ में कीपैड भी मिलता था जिससे हम लोग उसको एक नकली लैपटॉप की तरह बना सकते थे। तो भाई 3-4 दिन तक रोने के बाद, 5-6 घंटे तक जिद करने के बाद फाइनली जो हमारा टैबलेट था वो ऑर्डर हो गया। अब उस दिन मैं इतना ज्यादा खुश था कि यार वो जो टैब था हमारा वो एंड्रॉइड था। और सबसे मेन चीज तो ये थी उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी थी। उस टाइम पे ये होता था जिसकी फोन की स्क्रीन सबसे बड़ी है उसका फोन सबसे अच्छा है। तो मेरा जो टैब था वो भी हमारे घर पर आ गया, उसमें मैंने बहुत सारे गेम डाउनलोड करे, मूवी देखी, और पहली बार अगर किसी चीज के अंदर मैंने यूट्यूब चलाया था तो वो मेरा टैब था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यूट्यूब चलाने के लिए मैं डेली जाता था और 19 रुपए वाला रिचार्ज करा के आता था जिसके अंदर सिर्फ 100 MB मिलती थी। और अगर इस टाइम मेरे पास टैब होता तो इसमें आपको दिखाता, लेकिन अफसोस की बात यह है एक दिन जो हमारा टैब है उसको मैं चार्जिंग पे से हटा रहा था और मेरे हाथ से जो टैब था वो पूरा फिसल गया और नीचे जाके जब वो स्क्रीन के बल गिरा है ना तो उसकी जो स्क्रीन थी ना उसके लाखों टुकड़े हो गए। और उस टाइम जब मेरा टैब टूटा था ना तो भाई इतना ज्यादा मैं डर गया था कि किसी को बताने के बजाय जो टैब होता है मैंने उसको अपनी दराज में रख दिया। अभी तक सबको ये लगता है कि हमारा जो टैब था या तो वो चोरी हो गया था या फिर घूम गया था, लेकिन सबको क्या पता हमारा जो टैब है भाई चोरी नहीं हुआ था, वो अभी भी दराज के अंदर ही है। और असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जब मेरा टैब घुमा तो यार उसके बाद जरूरत पड़ रही थी एक फोन की, यार उस टाइम तक हमारी पूरी फैमिली को आदत पड़ चुकी थी फोन यूज करने की। तो फाइनली जब मैं 4th क्लास में था उस टाइम मैंने अपना पहला स्मार्टफोन लिया जिसके अंदर पहली बार मैंने फ्री फायर खेला था और उसी फोन से मैंने अपने जो यूट्यूब की वीडियोस होती है वो बनाना स्टार्ट करी। अब उस टाइम में तो मैंने यूट्यूब का ऐसी मजे के लिए स्टार्ट करा था, मुझे कहां पता था एक दिन मैं यूट्यूब पर इतना ज्यादा रेगुलर हो जाऊंगा। उस टाइम मैं 1-2 हफ्ते के अंदर 1-2 वीडियो डाल दिया करता था और यूट्यूब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन लाइफ तो तब
चेंज हुए जब मैंने पहली बार यूट्यूब पर फ्री फायर की वीडियोस देखी। पहले जो मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालता था वो डालता था 8 बॉल पूल की, तो उस पे इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, सिर्फ 10-20 आते थे या फिर कभी कभी तो 5-6 आते थे। लेकिन हमारी जो पहली फ्री फायर की वीडियो थी उसमें ऑलमोस्ट 400 व्यूज आ गए थे। तब से आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अब तक मैं यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस डालता हूं। हां, 1-2 दिन का गैप कभी कभी ले लेता हूं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर कम से कम 5 या फिर 6 वीडियो तो पक्का आती है। अब मैं जब यूट्यूब पर डेली वीडियोस डाल रहा था तो हमारी उसमें से एक वीडियो वायरल चली गई जिसपे आ गए थे पूरे 10,000 व्यूज। अभी आप लोग सोचोगे भाई 10,000 व्यूज ये तो कोई वायरल नहीं होती है, लेकिन भाई मेरे लिए वो वीडियो वायरल से कम बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, एक बंदा जिसकी सिर्फ 10-20 व्यूज आ रहे हैं एकदम से उसके 10,000 व्यूज आ जाए तो उसको कैसे लगेगा। तो सेम ये रिएक्शन उस टाइम में मेरा भी था। अब यहाँ तक सब कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन पता नहीं क्या होता है जब मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देखता हूँ फ्री फायर गन्स इन रियल लाइफ, और उस वीडियो के जब मैं व्यूज देखता हूँ तो वो थे पूरे 4 मिलियन। तो मेरे दिमाग के अंदर आता है क्यों ना ये वीडियो मैं भी बनाऊं। यूट्यूब पर रियल लाइफ के जो गन्स होते हैं उनके क्लिप तो मिल जाएंगे और बाकी वीडियो तो मैं खुद ही बना लूंगा। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक बंदे का मैंने क्लिप लिया था जहां पर वो जो क्लिप था सिर्फ 3 सेकंड का, जो कि रियल लाइफ के M249 का था। लेकिन जिस बंदे का वो क्लिप था ना भाई, वो बंदा इतना बड़ा स्कैमर था, उस बंदे ने उस 3 सेकंड के क्लिप के लिए मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया। और मैंने बहुत ट्राई करा था भाई वो स्ट्राइक हट जाए, लेकिन वो स्ट्राइक तो नहीं हटा और 3 महीने के लिए हमारे चैनल का रीच होता है पूरा खत्म हो गया था। सो ये था मेरी लाइफ का सबसे पहला वर्स्ट डे। और सेकंड वर्स्ट डे तब था जब हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हुआ था। मतलब उस टाइम पता नहीं यार यूट्यूब को क्या हो गया था, जब देखो यार किसी के भी चैनल को ऐसे उड़ा दिया करता था। वो तो अच्छा हमारे चैनल का सिर्फ मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था, उस टाइम पे पूरा चैनल नहीं उड़ा, वरना तो भाई पता नहीं क्या ही होता। तो चलो गाइस आज की स्टोरी टाइम हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आपको स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो मैं और भी ज्यादा मजेदार स्टोरी टाइम लाऊं तो गाइस आप लोग कंप्लीट करा दो 90,000 लाइक्स। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।